أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم بلا شبه وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے پیٹھ دکھائی میدان سے उस दिन की जिस दिन दो जमातें मिल गई थी टकरा गई थी बिलाशुबा इन्हें शैतान ने फुसला दिया था उनके पास आमाल की वजह से और अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया है। बिलाशुबा अल्लाह ताला बे इंतहा मग़फ़िरत फरमाने वाला और बुर्दबार है, हलीम है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 155। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला ने सहाबे किराम की उस गिरोह का तज़किरा फरमाया है कि जो गिरोह उहद के मैदान में या जंगे उहद में माल गनीमत और फतह हासिल हो जाने के बाद जब दुश्मनों ने दोबारा हमला कर दिया था उस भगदड़ में उन्होंने मैदान जंग से राह फरार इख्तियार की और निकल गए, उनका तज़किरा किया है। तो फरमाया कि बिलाशुबा तुम में से वो लोग जिन्होंने पीठ दिखाई थी यानी निकल गए थे भगदड़ की वजह से और अचानक हमले की वजह से उस दिन जिस दिन की दो गिरोह टकरा गए थे। मैदान में दो गिरोह होता है, एक मध्य मुकाबिल में होता है। दो गिरोह से मुराद कौन सा है? एक गिरोह से मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात है मुसलमानों की और दूसरे गिरोह या दूसरी जमात से मुराद क्या है, माना कि वो कुफार की है। पहले जो गिरोह है मुसलमानों का उसकी क़यादत किसके हाथ में थी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में थी। और दूसरा जो गिरोह था कुफार का गिरोह, कुफार का लश्कर, उसकी क़यादत अबू सुफियान के हाथ में थी। तो ये दोनों गिरोह जिस वक्त टकराए थे उस वक्त उनमें से कुछ लोग जो है पीठ दिखा दी थी यानी फरार हो गए थे। ये फरार होने वाले बहुत सारे थे यानी लश्कर का अक्सर हिस्सा फरार होने वालों में पीठ दिखाने वालों में से था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ चंद अफराद रह गए थे और तारीख में उनकी तादाद बताई जाती है कि वो 13 कुल अफराद थे जिसमें से सर फहरिस्त अबू बकर, उमर, अली, ये लोग सर फहरिस्त थे। ये चंद ही अफराद थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी रह गए थे, बाकी सब जो है निकल गए थे। तो अक्सर हिस्सा निकल गया था और उसके बाद फरमाया कि इनकी वजह क्या थी, क्यों ऐसा इन्होंने किया। तो अल्लाह ने फरमाया इन नमस्तज़ल्लहु शैतानु बिबादी मा कसबू, बिलाशुबा इन्हें शैतान ने फुसला दिया था, बहका दिया था। किस वजह से? बिबादी मा कसबू, इनकी कुछ कोताही, लफ्जिश और गुनाह की पादाश के सबब से उन्हें जो है क्या किया था, शैतान ने बहका दिया था यानी इन्हें दुरुस्तगी से हटा के इस तरह से इन्हें जो है हटा दिया जंग के मैदान से। अब इसमें बताया गया कि शैतान ने ऐसा किया था। तो शैतान असल में ये सारे शैतानों को एक जिन से शैतान की नहीं, बहुत सारे शैतान हैं और हदीस में आता है कि हर इंसान के साथ अल्लाह ने एक शैतान लगाया हुआ है जो उसका साथी होता है, करीम जिसको कहते हैं। एक फरिश्ता भी लगा हुआ है साथ में और एक शैतान भी लगा, इसीलिए हमारा इम्तिहान है। तो शैतान जो होता है, जो उसका साथी बना होता है, वो इंसान को बुराई का हुक्म देता रहता है और भलाई से रोकता रहता है, मना करते ये ना करो, ये नहीं करो, और शर के बारे में कहता है ये करो, बुराई के बारे में करो और भलाई के बारे में रोकता रहता है, ये शैतान होता है। शैतान को शैतान क्यों कहा जाता है, शैतान को शैतान क्यों कहा गया है? तो शैतान का लफ्ज जो बना हुआ शताना से बना हुआ, शीत ताबू, शताना के माने अरबी जबान में होता है दूर हो जाना, क्या हो जाना, दूर हो जाना। तो इसको शैतान को शैतान क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, इसलिए इसको शैतान, शैतान माने दूर हो जाने वाला। किससे दूर हो जाने वाला? अल्लाह के हुक्म से और उसकी रहमत से, उस पर अल्लाह ने अपनी रहमत उठा ली है, अब वो अल्लाह की रहमत से दूर है, इसलिए उसको शैतान। और शैतान हर उस जात को या हर उस
हस्ती को कहा जाता है जिसके अंदर सरकशी आ गई हो, जिसके अंदर सरकशी आ गई हो, बुराई आ गई हो और वो बात ना मानता हो, तो उसको शैतान कहता है। वो जिन्नातों में भी हो सकता है, इंसानों में भी हो सकता है और किसी और मखलूक में से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो ये शैतान ने बहकाया था, फुसलाया था, या हम कह सकते हैं गुमराह कर दिया था सहाबा किराम को भी। सबब क्या था गुमराही का? गुनाह थे। तो गुनाह क्या होता है? बसा औकात इंसान को शैतान जब उचकता है या गुमराह करता है तो शैतान इंसान मजबूत है, जब इंसान कमजोर पड़ता हो, कमजोर तब पड़ता है जब वो नाफरमान होता है, जब जरा सी भी गलती इंसान से सरजद होती है तो उसका नफ्स कमजोर पड़ता है और ऐसे में शैतान को मौका मिलता है क्या करने का? गुमराह करने का। तो गुनाह करने के बाद इंसान को फौरन तौबा कर लेनी चाहिए। अगर फौरन तौबा नहीं करता है, गुनाह जरूर होता है, तो शैतान बहुत जल्दी कब्जा कर लेता है, बहुत जल्दी इंसान को गुमराह करने में देर नहीं लगती, इंसान फौरन गुमराह हो जाता है। इसी वजह से बास सलफ ये कहते हैं कि नेकी के कबूल होने की अलामत में से एक ये है कि जो नेकी आपको लगता है कि आपको मालूम पड़ेगी कबूल हो गई, तो उस नेकी के बाद फौरन नेकी करने का तौफीक मिलती है। अगर एक नेकी के बाद फौरन आपको दूसरी नेकी करने की तौफीक मिल गई तो इसका मतलब यह है कि पहली नेकी आपकी मकबूल हो गई है, कबूल हो गई। ऐसे ही नेकी ना कबूल होने की अलामत यह है कि उस नेकी के बाद इंसान गुनाह की तरफ जाए। अगर नेकी के फौरन बाद इंसान गुनाह की तरफ जाता है तो इसका मतलब यह भी है कि आपकी वो नेकी कबूल नहीं हुई, यानी उस नेकी में खतरा पैदा हो गया कबूल होने का। ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं, लेकिन एक अलामत के तौर पर इंसान समझ सकता है कि मेरी नेकी कबूल होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए सहाबे किराम कुछ कोताही, कुछ गलतियां हुई थी जिसकी बुनियाद पर शैतान ने उन्हें गुमराह किया, वसवसे डाला और वो जंग से फरार हो गए। जंग से फरार नहीं, चूंकि भगदड़ मची थी तो अपने आप को बचाने के लिए। तो इसलिए इंसान जब गुनाह करता है और तौबा नहीं करता तो शैतान बहुत जल्दी उसको दूसरे गुनाह में लगा देता है। यहाँ तक कि इंसान इतना गुनाह करता है कि वो गुनाह उसके दिल को पूरा घेर लेते हैं। इसी वजह से उलमा कहते हैं ये जो गुनाह होते हैं ये कुफ्र की तक पहुँचाने की एक सवारी होते हैं, इस पर बैठ कर इंसान कुफ्र तक पहुँचता है। यानी एक मरला तय करके इंसान जब गुनाह करता है तो दूसरा मरला तय करता है, ऐसी स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक पहुँचता है? कुफ्र तक पहुँचता है। इसलिए गुनाह को कभी भी मामूली नहीं समझना चाहिए, गुनाह करते करते उसको हकीर नहीं समझना चाहिए। कभी होता है कि एक ही गुनाह की वजह से इंसान क्या हो जाता है? कुफ्र तक पहुँच जाता है। फिर आगे अल्लाह तआला ने फरमाया कि इतनी सब कुछ गलतियां सहाबे के नाम के साथ हुई, कोताहियां हुई, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वलकद अफल्लाहु अनहुम, अल्लाह ने फिर भी इन्हें माफ कर दिया। अफल्लाहु अनहुम, अफ किसको कहा जाता है? अफ को कहते हैं गुनाह पर, गलती पर सजा ना देना, गिरफ्तारी नहीं करना, इसको कहते हैं माफी। अल्लाह ने इसको माफ कर दिया। तो अल्लाह की माफी का मतलब होता है अल्लाह ने मुआवजा नहीं किया, यानी गिरफ्तारी और पकड़ नहीं की इनकी। ज्यादातर ये उसमें होता है कि इंसान को किसी चीज के हुक्म दिया गया था, वाजिब को छोड़ देता है इंसान, ये गुनाह हुआ कि नहीं, एक वाजिब चीज थी, फर्ज चीज थी, इंसान छोड़ दिया, इसमें माफी होती है, इसमें माफी होती है। और मगफिरत किसको कहा जाता है? मगफिरत ज्यादातर हराम चीज इंसान कर लेता है तो उसमें होती है, हराम चीज जिससे मना किया गया उसको कर लिया तो इससे जब इंसान माफी मांगता है तो वो मगफिरत होती है, उसको मगफिरत कहा जाता है। लेकिन कोई चीज करने की थी और उसको नहीं किया तो उस पर माफी होती। बात समझ में? इसको ऐसे समझे, नमाज पढ़ने का हुक्म है, वाजिब है ना जी नमाज पढ़ना। अब इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो ये अल्लाह से क्या मांगेगा? माफी मांगेगा। क्यों? क्योंकि एक वाजिब चीज उसने छोड़ा है। लेकिन एक इंसान है शराब जैसे मिसाल के तौर पर, चोरी मना किया गया, हराम चीज है, अब इंसान इसको कर लिया तो इसमें वो मगफिरत मांगेगा, एक में माफी मांगी और एक में मगफिरत मांगी। बात समझ में आई? दोनों चीजें। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह ताला ने इन्हें माफ कर दिया है, इन्नल्लाहा गफूरुन हलीम। देखिए अल्लाह ने माफी का तज़किरा किया है लेकिन अपने नाम का जिक्र किया, अल्लाह गफूर है, मगफिरत करने वाला है और हलीम है। तो मगफिरत किसको कहते हैं? हमने पहले भी बताया था मगफिरत लफ्ज मिगफर से बना है, और मिगफर किसको कहा जाता है? वो लिबास होता है जो इंसान जंग में, जो इंसान होता है जंगजू, वो सर पर जो पहनता है जिसको हम उर्दू वाले खोद कहते हैं, खोद यानी सर को बचाने वाला आला, जो किसका होता है? लोहे का होता है।
आहन लोहे का होता है और वो दो काम करता है, एक तो इंसान को छुपाने का और बचाने का, छुपाने का और बचाने का। तो मग़फ़िरत उसी से मग़फ़र, उसी से मग़फ़िरत बना है। अल्लाह ताला गफूर है, यानी अल्लाह ताला गुनाह को छुपा भी देते हैं और सज़ा से बचा भी देते हैं। देखिए कितना लफ्ज़ में कितना यकसानियत है, हाँ, कि अल्लाह ताला गफूर है और किससे बना है, उसी मग़फ़र से लफ्ज़ बना हुआ है। मग़फ़र क्या करता है, सर को छुपा लेता है और हमले से बचा लेता है। ऐसे अल्लाह ताला गुनाह को छुपा देते, किसी को बताते नहीं, और इसी तरह सजा से बचा लेते। तो अल्लाह से मग़फ़रत मांगने का मतलब यही होता है। और इसी तरह आप देखेंगे अल्लाह की एक सिफत क्या है, हलीम है। इसमें बताइए इन्नल्लाह गफूरुन हलीमुन। हलीम किसको कहा जाता है, हलीम के हिल्म से बना हुआ है। हिल्म कहते हैं जल्दी ना करना, किसी काम को रिएक्शन फौरन नहीं देना, जल्दी कोई काम जल्दबाजी करते ना इंसान, जल्दबाजी वो ना करना, उसको कहते हैं सिफत हिल्म। और ऐसी शख्सियत जो बुर्दबारी से काम लेता हो, ठंडे दिमाग से काम लेता हो, उसको हलीम कहा जाता है। अल्लाह ताला सजा देने में जल्दी नहीं करता, ये गुनाह किया फौरन सजा, ये गुनाह किया फौरन सजा नहीं, अल्लाह ताला हलीम है, बहुत जल्दी, बल्कि हर चीज हिकमत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन करते हैं। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो वल हलीम, अल्लाह हलीम है, फला युआजिलु अब्दहु बिउकूबतिन, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को सजा देने में जल्दी नहीं करते, क्यों, लियतूब मिन इसयानी, ताकि बंदा अपने गुनाह से तौबा करे, तौबा करने की मोहलत देते हैं। गफूर इसलिए क्योंकि वो हलीम है, गफूर इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन क्योंकि वो हलीम है, जल्दी हम और आप क्या है, फौरन से पहले अगर किसी से गलती होगी तो फौरन सजा देना, देर नहीं करनी है। और हलीम उसको नहीं कर रहा, हलीम मौका देता है, देखता है गुनाह क्यों करता है, और गुनाह फौरन सजा ना देकर ये देखा जाता है कि कब ये वापस आएगा, मौका मोहलत देना, जल्दी ना करना, इसको हलीम कहा जाता है। अल्लाह ने अपनी आखिरी सिफत इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, अल्लाह गफूर है, अल्लाह से मग़फ़रत मांगना चाहिए, और अल्लाह की सिफत हलीम है तो अपने अंदर भी हिल्म और बुर्दबारी पैदा करनी चाहिए हमें, आपस में खानदान बचाने के लिए, घर बचाने के लिए, और इस दिवाली जिंदगी को बचाने के लिए ये सिफत हिल्म बहुत जरूरी है, और एक इज्तिमाई निज़ाम को चलाने के लिए। आप देखिए आज छोटी छोटी बातों पर तलाक हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर खुला हो रहा है, क्यों, हिल्म नहीं किसी के अंदर। अल्लाह ताला जिस तरह हलीम है, आपको माफ कर रहा है, आपको जल्दी सजा नहीं दे रहा है, इतनी मासियत होने के बाद तो हम और आप एक दूसरे को क्यों सजा देने लगते हैं फौरन से। शोहर बीवी को फौरन तलाक की शक्ल में सजा दे दे रहा है, और बीवी शोहर को भी सजा दे दे रही है, जरा सी गलती पर खुला दे दे रही है। ऐसी बाप बेटा, बेटा बाप, ये सब हिल्म भी कोई चीज होती है, और हिल्म जो इख्तियार इंसान इख्तियार करता है वही सबको लेकर चल सकता है, वही आगे कोई काम कर सकता है, किसी मिशन को आगे बढ़ा सकता है, वरना नहीं बढ़ सकता कोई चीज। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर टकराव, और फिर फसाद, और फिर बिखराव, ये सब चीज होने लगती है। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन तो इन तमाम बातों को हमें याद रखने की तौफीक इनायत फरमा, और उसके मुताबिक अपनी तरबियत करने की तौफीक इनायत फरमा। आमीन।